नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो काफी कम हो गई है, जो बिहार सरकार द्वारा कोरोना लिस्ट जारी की गई है। आइए जानते हैं किन किन जिलों में कितने कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। बात करें औरंगाबाद की तो 4, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 1, भोजपुर में 13, दरभंगा में 5, ईस्ट चंपारण में 7, गया में 3, गोपालगंज में 2, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1, कटिहार में 3, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 4, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 8, नवादा में 1, पटना में 107, पूर्णिया में 2, रोहतास में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 2, सारण में 2, शिवहर में 5, सिवान में 1, वैशाली में 5, वेस्ट चंपारण में 5। तो जो बिहार की राजधानी पटना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो कुल 100 से ज़्यादा है। वहीं बिहार सरकार और पूरे भारत में कल से कोरोना टीका का शुभारंभ कर दिया गया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के IGIMS में कोरोना का टीका कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। वहीं जो कुल रिकवरी रेट है बिहार की वो 97.7% है, जो बिहार और पूरे भारत में सबसे अव्वल नंबर पर है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।